दोस्तों, जो मैंने यामा की R15 वर्जन 3 खरीदी थी उस बाइक को तो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन बाइक अभी ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। उसका कारण था कि मुझे NOC नहीं मिल पाई थी, और अब ये NOC मिल चुकी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि NOC कैसे निकलवाते हैं और कितना खर्चा आता है, उसका क्या प्रोसेस है। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस NOC को मैंने खुद निकलवाया है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि NOC का मतलब होता है नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये किस लिए निकलवाया जाता है, अब यहां पर यह भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं अयोध्या का हूं और मैंने इलाहाबाद प्रयागराज से बाइक खरीदी है, तब मुझे इस NOC की आवश्यकता पड़ी है। अगर आप जैसे कि जिस जिले के हैं वहीं से आप बाइक खरीद रहे हैं, तब आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप किसी और स्टेट से, किसी और जिले से खरीदने वाले हैं बाइक और आपको NOC निकलवानी है, तो उसका क्या प्रोसेस है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये है NOC, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पर CC नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि UP 70 NOC इस पर लिखा हुआ है। बाइक रजिस्टर्ड हुई थी 12 जुलाई 2018 को, और दोस्तों ये 27 दिसंबर 2019 को अप्लाई किया गया था, और ये जारी हुई है अयोध्या RTO के लिए। प्रयागराज से अयोध्या RTO में इसको ट्रांसफर करवाना है, और यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है। तो यही NOC है, इस पर NOC लिखा भी हुआ है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके साथ साथ जैसे ये तो स्लिप है, और ये फार्म 28 होता है जिससे NOC निकलती है। अब इस पे जो भी है दोस्तों, इस पर ये साइन होते हैं, जो भी बाइक बेचते हैं या कार बेचते हैं, ये उनके साइन होते हैं। यहाँ पर ये नंबर ट्रेस किया गया है, जो चेसी नंबर होता है, और ये इसकी RC है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि इसके साथ साथ एक ये सेल लेटर होता है, जिसको आप फार्म 30, जैसे फार्म 30 और ये 29, इस पे भी साइन करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर साइन हुआ है जिससे ये बाइक ट्रांसफर होगी। साथ में ये फोटो भी रहती है जिससे बाइक को ट्रांसफर करवाना होता है। और साथ में जब आप बाइक को खरीद लें, तो वहाँ पर आप एक जैसे कि ये टाइप करवा लें, नोटरी बनवा लें, जिसपे लिखा होना चाहिए कि मैं ये इस बाइक को इनको बेच रहा हूँ, इतने में बेच रहा हूँ, और इसके बाद इनकी जिम्मेदारी होगी, इससे पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों, आपने NOC तो देख ली, साथ में मैंने आपको 28 नंबर फॉर्म भी दिखाया, 29 और 30 नंबर फॉर्म दिखाया, जो कि सेल लेटर है, जिस पर एक फोटो लगी होगी, साइन की जाएगी, तभी आपकी बाइक ट्रांसफर होगी। अब मैं आपको NOC के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देता हूं। जैसे कि NOC का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कुछ लोग कहेंगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये दो प्रकार की होती है, एक तो बैंक वाली होती है। अगर आप बाइक स्कूटर कार फाइनेंस करवाते हैं, तो वहां पर भी आपको NOC निकलवानी होगी, तभी आपका ये बाइक स्कूटर कार ट्रांसफर हो पाएंगे। क्योंकि बैंक जब जैसे कि नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देंगे कि आपकी कोई किस्त नहीं बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वहां पर भी NOC की आपको निकलवाना पड़ता है, अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो। लेकिन इस वीडियो में आपको RTO वाली NOC के बारे में बताऊंगा। जैसे कि अगर आप किसी और जिले से खरीदते हैं, किसी और राज्य से खरीदते हैं, तो आपको NOC RTO से निकलवानी पड़ेगी, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर दोस्तों, कभी कभी कुछ जुगाड़ भी हो जाता है, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे आप किसी और राज्य से, किसी जिले से ले रहे हैं, तो वहां पर आप किसी का एड्रेस देके और जैसे कि आप किराएदार दिखा दें, फिर उसके बाद आपकी बाइक स्कूटर कार ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो एक जुगाड़ होता है। अगर आप ऐसे करवाना चाहें तो आपका खर्चा कम हो जाता है। अब जैसे जिस प्रकार से आप बाइक स्कूटर निकलवाएंगे, तो उसी हिसाब से आपका पैसा लगेगा। अब यहां पर भी मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं। जैसे कि किसी अगर आप राज्य से, अलग राज्य से खरीदेंगे, तो वहां पर जब आपकी बाइक आपके राज्य में आएगी, तो वहां पर नंबर भी चेंज होगा। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश से ही खरीद रहा हूं और दूसरे जिले से और यहां पर खरीद के लेकर आ रहा हूं, तो यहां पर नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस चेंज होगा। तो इसलिए मैं वहां पर चाहता तो किराएदार दिखा के इलाहाबाद में और अपनी बाइक को मैं ट्रांसफर करवा लेता, लेकिन अब मैंने ऐसा उचित नहीं समझा, तो मैंने सोचा कि मैं अयोध्या का ही ट्रांसफर लेता हूं। इसलिए मैंने NOC निकलवाई, जिसमें मेरे खर्चा आया 1500 रुपए। अब इसका रियल खर्चा क्या है मुझे नहीं पता है, जैसे 200-400 रुपए में भी निकल जाती होगी। अगर आप दौड़ेंगे और खूब इधर उधर साइन करवाएंगे, काफी टाइम लगेगा, 2-4 दिन लग जाएंगे। तो अगर मैं इलाहाबाद में 2-4 दिन रुकता और करवाता, तो बहुत पैसे लगते। इसलिए मैंने एजेंट के थ्रू करवा लिया, एक भाई थे उनसे मैंने करवा लिया, 1500 रुपए मैंने दिए। कुछ लोग 1800 रुपए मांगेंगे, कुछ लोग 2000-2500 रुपए मांगेंगे, तो ऐसे आपका खर्चा पड़ जाएगा। लेकिन जो मेरा पड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मैं जैसे कि उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करवा रहा हूं, तो मेरा नंबर चेंज नहीं होगा, सिर्फ एड्रेस चेंज होगा। मैं चाहता तो वहां किराएदार दिखा के और कम कीमत में करवा सकता था, लेकिन वो मुझे चाहिए नहीं। अब अगर आप किसी दूसरे राज्य से NOC निकलवाते हैं, तो वहां से आपकी जो NOC निकलेगी वो आएगी, तो वो आपका नंबर भी चेंज होगा और आपकी बाइक का री रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहां पर फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए अगर आप किसी दूसरे राज्य से निकलवा रहे हैं, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि आपको उसका नंबर भी चेंज करवाना है। नहीं तो जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से
खरीद रहे हैं, उत्तराखंड से खरीद रहे हैं, तो वहां पर आप किराएदार दिखा के किसी और के नाम पर ट्रांसफर करवा लेंगे, तो नंबर वही रहेगा, सिर्फ एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो आप बाइक खरीद सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किराएदार भी दिखा के नहीं खरीद सकते हैं, ये सरकार का रूल नियम बदलता रहता है, इसलिए आप इन सारी चीजों को पता कर लें। तो मुझे जो आपको इस वीडियो में बताना था कि एनओसी कैसे निकलती है, मैंने आपको सारी चीजें इसमें आपको पेपर भी दिखा दिया, सारी चीजें इसमें दिखा दी है। अब अगर आप किसी और राज्य से खरीद रहे हैं, अगर आप एनओसी निकलवा रहे हैं, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन का, इंश्योरेंस का, हर एक चीज का, टैक्स का, हर चीज का खर्चा जोड़ के तब आप एनओसी निकलवाइएगा। जैसे मान लीजिए आप 2-2.5 लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हैं, तो वहां पर जब आपकी बाइक यहां पर आएगी तो फिर उसका जो एक्स शोरूम प्राइस होगा उतना 10% आपको टैक्स देना होगा, फिर आपकी बाइक का नया नंबर मिलेगा, ये सिस्टम होगा। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें दे रहा हूं, बाकी एनओसी तो आपकी 1500-2000 रुपए में कहीं से भी आप निकलवाएंगे तो निकल जाती है। उसके लिए जो जिनकी बाइक होती है उनको वहां पर जाना होता है, वो इस फॉर्म पर साइन करेंगे। वहां पर जैसे कि आरटीओ में क्या होता है, उनके सामने जाकर पेश होना होता है, उसके बाद वहां पर साइन करना होता है, इसलिए उनका होना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने साइन करके दे दिया। अब जैसे भाई जुगाड़बाजी आप लगाओगे तो हो सकता है, मैं वहां पर इस जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन नियमता यही है कि जिनकी बाइक है जो बेच रहे हैं उनको वहां पर जाना होगा और वो वहां पर साइन करेंगे। कुछ मैच करवाया जाता है वहां पर, सामने साइन कराया जाता है, ऐसा ना हो कि आपसे दबाव में खरीदा जा रहा है, तो इन सारी चीजों को देख के। तो कुल मिला के जिनकी बाइक है, स्कूटर है, कार है, उनको वहां पर जाके साइन करना होगा, फिर उसके बाद वो आ सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आपकी बाइक स्कूटर का ट्रांसफर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैंने एनओसी निकलवाया कि मेरे यहाँ का ये ट्रांसफर हो जाएगा और ज्यादा इसमें खर्चा भी आ जाएगा, तब भी मेरी बाइक एकदम जैसे कि सेफ रही है, नहीं पता चला किसी के किराएदार बन के हम लिए हैं, जुगाड़बाजी के हैं 1500-2000 रुपए के लिए। अब भाई जिनके पास जुगाड़ नहीं वो करवा सकते हैं, मान लीजिए किसी के पास पैसे की उतनी व्यवस्था नहीं तो वो करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें किराएदार पकड़े जाए, ये हो वो हो, तो इसलिए मैंने इन सारी चीजों को कर लिया है। तो अगर आप कोई बाइक खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लें कि उस बाइक के ओनर जिंदा हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनको वहां पर जाना होगा, नहीं तो फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होगा, तब एनओसी निकलेगी। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं, वहां पर बहुत से लोग होते हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि आप गलत रास्ता बता रहे हो, खुद दौड़ना चाहिए, करना चाहिए, और इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। तो दोस्तों जैसे कि रियलिटी में अगर आप कोई चीज देखेंगे तो वो अलग ही होगी और उसका नियम कानून अलग ही होता है। तो अगर मैं वहां करवाता 3-4 दिन भाई परेशान रहता और इतना जब मैं जानता नहीं हूं कहां कहां साइन होता है, बार बार दौड़ता, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें करवा ली। जो भी पैसा लगा मैंने आपको बता दिया, आपका 2000 भी लग सकता है, 1800 लग सकता है, कंप्लीट जानकारी मैंने आपको एनओसी के बारे में दे दिया है। अब इसको मैं ट्रांसफर करवाऊंगा अपने अयोध्या में, यहां पर जो भी पैसा लगेगा मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूंगा, जिससे आप लोग डरे ना, चाहे आप किसी और जिले से खरीदें, कहीं से खरीदें, आपकी बाइक मिल सकती है, एनओसी आप निकलवा के लाएंगे, ट्रांसफर करवा लेंगे, बिल्कुल एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझें कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, किसी जिले से खरीदेंगे, यूपी आपका 13 है और आप यूपीएससी से खरीदते हैं तो यूपीएससी ही रहेगा, वो 13 नहीं होगा। मेरा यूपी 70 है तो मेरा यूपी 42 नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या का यूपी 42 है, तो नंबर चेंज नहीं होगा, ये मैं एड्रेस चेंज करवा रहा हूं। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य से एनओसी लाते हैं तो वहां पर आपका नंबर भी चेंज होगा, जिसमें आपका पैसा ज्यादा लगेगा। तो अगर आप संतुष्ट हैं जो मैंने आपको जानकारी दी है एनओसी के बारे में, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों तक हमारी बात पहुंचाएं, जिससे और भी लोग जान सकें कि एनओसी क्या है, लोग डरे ना, बाइक खरीद सकें, उनको कम पैसे में बाइक मिल सके, लोग अपना सपना पूरा कर सके। और अगर आप बाइक खरीदने वाले हैं, इस वीडियो से आपको जानकारी हुई है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, लाइक करें, और आप कमेंट भी करें कि इसमें अगर कोई चीज रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बार बार उसी को कहने से कोई फायदा नहीं है, तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।